बहुत समय पहले की बात है, एक राजू नाम का लड़का था। वो होली आने से पहले ही उसकी होली शुरू हो जाती है। उसे होली पर जानवरों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। कभी वो उन पर पानी भरे गुब्बारे फेंककर उन्हें परेशान करता या फिर उन पर पिचकारी में रंग भरकर फेंकता था। राजू का एक भाई था जो उसे हमेशा जानवरों पर रंग या गुब्बारे फेंकने से मना करता था। एक दिन की बात है, राजू अपनी पिचकारी में रंग भरकर गली में घूम रहा था, तभी उसे एक कुत्ता दिखाई देता है, तो वो उस पर अपनी पिचकारी से रंग डालने लगता था। हे, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। तभी उसके साथ खड़ा उसका भाई रोहित उसे ऐसे करने से रोकता है। राजू, ये अच्छी बात नहीं है जो तुम यूं ही बेचारे जानवरों के ऊपर रंग डालकर उन्हें परेशान करते हो। क्या रोहित, तू भी एक बार तू भी रंग डालकर देख, कितना मजा आएगा। रोहित अपने भाई राजू को कितना भी समझा लेता पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। शाम का समय था, रोहित और राजू दुकान पर कुछ सामान लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में राजू को गाय दिखाई देती है, तो वो अपनी जेब से पानी भरा हुआ गुब्बारा निकलता है और उस गाय पर फेंक कर मारता है। हे, होली है भाई, होली। तभी रोहित राजू के ऊपर गुस्सा करते हुए, तुम्हें कितनी बार मना किया है, इन बेचारे बेजुबान जानवरों के ऊपर रंग मत डाला करो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम फिर से शुरू हो गया भाई, होली है तो होली पर होली नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा। राजू गाय के ऊपर रंग डालकर बड़ा खुश हो रहा था, पर वो बेचारी गाय गीली होने के कारण अपनी पूंछ हिलाते हुई जल्दी जल्दी वहाँ से चली जाती है। हे, भाग गई। राजू को कहीं भी कोई भी जानवर दिखाई देता तो वो उसे रंग से गीला किए बगैर नहीं मानता है। सुबह होती है तो वो अपनी पिचकारी में रंग भरकर छत पर खड़ा हो जाता और गली से निकलते जानवरों पर रंगों से भरी बाल्टी फेंकता है। ऐसे ही एक दिन राजू के हाथ में रंगों से भरा गुब्बारा था, तभी एक कुत्ते पर जोर से फेंकते हैं। कुत्ता बेचारा पूरा रंगीन पानी से गीला हो जाता है और बो बो करता हुआ भाग जाता है। राजू उस कुत्ते पर रंग फेंक कर बड़ा खुश हो रहा था। इतने में ही राजू का दोस्त अपने दोनों हाथों में रंग लिए आता है और वो राजू के मुंह पर लगा देता है। होली है, होली है, बुरा ना मानो, होली है। तभी उसके बाकी की दोस्तों भी आकर उसे रंगों के पानी से पूरा गीला कर देते हैं। होली है, बुरा ना मानो। राजू का मुंह रंग की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से वो रंग के पानी से पूरा भीग चुका था। उसके सारे कपड़े गीली हो चुके थे। शाम हो जाती है तो राजू और उसके सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर राजू नहा लेता है, पर उसके मुंह से रंग नहीं निकलता। पता नहीं कौन सा रंग लग गया है कि निकलने का काम ही नहीं चल रहा है, और तो और मुंह पर जलन भी हो रही है। रात हो जाती है तो राजू खाना खाकर सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका मुंह जलने लगता है। मुंह पर जलन होने की वजह से वो जोर जोर से रो रहा था, तभी उसके पापा और उसका भाई रोहित आते हैं। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, अरे इसके चेहरे को क्या हुआ है? पापा पापा, मेरा मुंह पर बहुत तेज जलन हो रही है। पापा, राजू को जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा।
फिर रोहित और उसके पापा राजू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर राजू को बुखार का इंजेक्शन लगा देता है। मैंने इसे बुखार का इंजेक्शन लगा दिया है, इसे अब बिल्कुल भी पानी में भीगने मत देना। केमिकल का रंग लगाने के वजह से इसके चेहरा के ये हालत हुई है। तभी राजू का भाई रोहित उसे कहता है कि अब पता चला कैसे लगता है, वो तो बेचारे बेजुबान जानवर है जिन पर तुम रंग फैलकर उन्हें परेशान करते हो, और तुम तो फिर भी बोल सकते हो, और वो बेचारे जानवर तो बोल भी नहीं सकते हैं। कभी सोचा है कि तुम्हारे ऐसा करने से उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी? रोहित की बातें सुनकर राजू की आंखों में आंसू आते हैं और उसे सब समझ जाता है कि उसने कितने जानवरों को तकलीफ पहुंचाई है। भैया मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा और साथ ही किसी को उन्हें परेशान करने भी नहीं दूंगा। और फिर उस दिन के बाद से राजू ने होली पर किसी भी जानवर पर रंग नहीं फेंका, जिसकी वजह से उसकी गली के कुत्ते भी अब उससे नहीं डरते थे। समीर नाम का एक लड़का एक बहुत बड़े कंपनी में काम किया करता था। उसी ऑफिस में एक मीना नाम की लड़की भी काम करती थी। समीर मीना को पसंद करने लगा और एक दिन उसे अपने दिल की बात बोल दी। मीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? समीर, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, क्या तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपनाएंगे? परिवार? मैं और मेरे माँ के अलावा दूसरे कोई नहीं है। हाँ, हमारे परिवार में एक तोता भी है, वो भी हमारे घर का एक सदस्य है। वो तोता मेरी माँ का है। जब भी माँ अकेली होती है उस तोते के साथ बात करके अपना वक्त बीत लेती है। पर क्या? पर उस तोते को बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी माँ पूरा दिन उसके साथ ऐसा बात करती है जैसे वे सारी बातें समझता हो। मुझे तुम्हारे साथ शादी करने से कोई एतराज नहीं है, फिर भी तुम एक बार अपनी माँ से हमारी शादी के बारे में बात कर लोगे तो अच्छा होगा ना? घर पहुँचते ही समीर अपनी माँ को मीना के बारे में बताता है। हे भगवान, मैं तो सोचकर बैठी थी कि एक अमीर लड़की से तेरी शादी करवाऊंगी, पर तू तो किसी गरीब लड़की को मेरी बहू बनाने की सोच रहा है। माँ, मैं शादी करूंगा तो उसी से, अगर मेरी शादी उससे नहीं होते तो जिंदगी भर कवारा ही रहूंगा। बेटे की ये बात सुनकर कलावती परेशान ही हो जाती है और मीना से शादी करने को मान जाती है। समीर मीना से शादी करके उसे घर ले आता है। जैसे ही मीना अपनी सास के पैर छूती है, हाँ ठीक ठीक माँ जी, आपका ये तोता तो बहुत ही अच्छा है। समीर ने मुझे बताया था कि आपके पास एक तोता है जिसे आप बहुत प्यार से रखती है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? नहीं, इससे दूर रहना, इसके नजदीक आने की जरा भी कोशिश मत करना। मीना कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह मीना कलावती के लिए नाश्ता लेकर आती है। कलावती अभी भी गुस्से में थी, वो जैसे ही चाय पीती है तुरंत थूक देती है। तू ची 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 ची, ना दूध है इसमें ना चीनी, कैसी चाय बनाई है? और ये पराठे,
ये ऐसे होते हैं पराठे, सारा जला रखा है इन्हें। माँ जी, मैं अभी दूसरा नाश्ता बना लाती हूँ। मीना के जाते ही कलावती अपने तोते से धीरे से बोलती है, मैंने कैसे उल्लू बनाया उसे, बड़ी आई थी मेरी बहू बनने। देखना मिट्टू, दो चार दिनों में ही मैं इसे इतना दुखी कर दूंगी कि ये मुझसे परेशान होकर खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। फिर मेरे बेटे को मेरी ही पसंद की लड़की से शादी करनी होगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? बोल मिट्टू बोल। अरे तू बोलता क्यों नहीं? मैं तुझे रोज बोलने सिखाती हूँ, पर तू है कि बोलता ही नहीं कुछ भी। समीर के बाहर जाते ही कलावती मीना को बहुत परेशान करती है। एक दिन कलावती दिन के समय गहरी नींद में सो रही थी, तभी मीना तोते के पास जाती है और उसे बड़े ही प्यार से बैर खिलाती है। तोते को बैर बहुत अच्छे लगे तो वो सारे झट से खा गया। मीना रोज तोते को बैर खिलाती। एक दिन कलावती ने उसे तोते के पास देख लेते हैं। बहू, मेरे तोते को चूने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोल दिया था, फिर भी तुम मेरे तोते के पास आई। माँ जी, ये तोता शायद भूखा था, इसलिए मैंने इसे थोड़े बैर खिला दिया और कुछ नहीं। मुझसे जवान लड़ाती है, रुको अभी बताती हूँ तुझे। कलावती रसोई घर से चिमटा गरम करके लाती है और मीना के दोनों हाथों में लगा देती है। आ माँ जी, बहुत जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। आ, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं आऊंगी मैं आपके तोते के पास। मीना को जलाने के बाद कलावती अपने कमरे में चली जाती है। मीना दर्द के मारे बहुत रोती है। रात को समीर जब ऑफिस से घर लौटता है और मीना के हाथ जले देखता है तो चौंक जाता है। मीना, ये कैसे हुआ? कैसे जले तुम्हारे हाथ? कुछ नहीं, रसोई घर में खाना बनाते समय थोड़ा ध्यान दूसरी तरफ चला गया और मेरा हाथ जल गया। कलावती छुप कर सब देख रही थी। शुक्र है इसने मेरे नाम नहीं लिया। तभी पीछे से तोता जोर जोर से बोलने लगता है, आ माँ जी बहुत जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। तोता बार बार यही बात दोहराए जा रहा था। तोते की बात सुनकर समीर सब समझ गया। माँ, ये सब आपने किया है? आप मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फिर भी मीना आपको बचा रही है। आखिर आपके तोते ने ही आपकी सच्चाई बता दी। मीना, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। कलावती बेटे को बहुत रोकते हैं, पर वो नहीं रुकता। गुस्से में आकर वो तोते को मारने लगती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब मैं तुझे बोलना सिखाती थी तब तू तो बोला नहीं, अब तेरा इतना मुंह जल रहा है, रुक तुझे अभी बताती हूँ। तोता टुर टुर करता हुआ आकाश में उड़ जाता है और कलावती पछताती रह जाती है।